गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल DPSBMIC बिलारी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर न्यू चैप्टर इन सिविक्स, दैट इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए बच्चों, आपने क्लास फिफ्थ तक सोशल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में सिविक्स आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। जब सिविक्स सब्जेक्ट आप जब पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी होगा ना सिविक्स होता क्या है। अगर मैं सिविक्स की बात करूं, सिविक्स की डेफिनेशन की बात करूं, तो सिविक्स की डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। क्या है बच्चों? द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। राइट का मतलब होता है अधिकार, सिटीजन्स होते हैं उस देश में रहने वाले, और ड्यूटीज होती हैं कर्तव्य। कंट्री का मीनिंग होता है देश, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मैंने इतने शब्दों की मीनिंग बताई, अब फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, उन नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं और क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सिविक्स कहलाता है। किसी भी देश में रह रहे नागरिक, किसी देश के नागरिक क्या होंगे? हम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया। हमारे पास इंडिया का आधार कार्ड है। अभी आप बच्चे हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है। मैं यहाँ के इलेक्शंस में वोट भी डालता हूँ, तो मैं यहाँ का क्या हुआ? एक नागरिक हुआ। नागरिक को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन। क्या कहते हैं? सिटीजन। तो मैं कहाँ का सिटीजन हूँ? मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। और अगर मैं इंडिया में किस तरीके के क्या क्या मेरे राइट्स होंगे, मेरे क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या मेरी ड्यूटीज़ होंगी, उनके बारे में अगर मैं डीपली स्टडी करूँगा, तो वो सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा सिविक्स। आपको अच्छे से सिविक्स समझ में आया होगा कि सिविक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के हमारा जो चैप्टर है डेमोक्रेसी इन इंडिया, अब क्योंकि सिविक्स सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लास सिक्स में पहली बार आ रहा है, तो इस चैप्टर पर आने से पहले, इस चैप्टर को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा। जैसे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, किस किस तरह की गवर्नमेंट होती हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या होती है, तो गवर्नमेंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तो वो होगी द ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल विच रन्स और गवर्न अ कंट्री। मैंने आपसे बोला लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी देश को क्या करता है, चलाता है, रन करता है, या करता है उस पर गवर्न करता है। गवर्न को कहते हैं शासन। गवर्नमेंट को हिंदी में कहा जाता है सरकार। गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? सरकार। और सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है शासन करना। देखिए, अगर हिंदी में आपसे पूछे सरकार क्या है, तो सरकार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम क्या होता है? सत्ता करना होता है, शासन करना होता है। और अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है गवर्न करना। अब गवर्नमेंट बनती कैसे है, गवर्नमेंट बनती कैसे है, वो अलग अलग तरीके होंगे जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन अभी अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में आपको थोड़ा और बताऊँ, देखिए बच्चों, हमारे यहाँ बहुत सारे आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है,
इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, कितनी देर आएगी, वो सब क्या डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट। ठीक है, आपको देखो बहुत समय पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी, लेकिन अब वैसे नहीं होता, तो वो भी उस पर भी रोक किसने लगाई? गवर्नमेंट पे। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए गवर्नमेंट का क्या काम हो है? गवर्नमेंट देखिए एक सरकार जो होती है वो अपने ऑफिशियल्स की मदद से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से या गवर्नमेंट सर्वेंट की मदद से बहुत सारे काम कराती है। अगर कोई गरीब है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसे ऊपर उठाया जाए, गरीबी से उसे ऊपर लाया जाए, उसे थोड़ा अमीर बनाया जाए, या किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो गवर्नमेंट का ये काम होगा कि उसे रोटी दी जाए। अगर किसी जगह आप कहीं पर रहते हो वहाँ पर बाढ़ आ गई है तो गवर्नमेंट का ये काम होगा कि जिन जगह पर बाढ़ आई है, जिन लोगों के घर डूब गए हैं, वहां से लोगों को निकाला जाए, उनका इलाज कराया जाए। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो गवर्नमेंट का यह काम होगा कि वो उन बच्चों को पढ़ाए। तो गवर्नमेंट के इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं। अब आप जरा यह सोचिए एक मिनट को, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए पुलिस हो गई, पुलिस क्या करती है हमारे देश में, क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है कि क्राइम्स वगैरह ना हो, किसी का मर्डर ना हो, कोई चोरी ना हो, तो इन सब का ध्यान कौन रखती है? पुलिस रखती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी आर्मी की, तो आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी का काम होता है हमारे देश की रक्षा करना। आर्मी का क्या काम होता है? हमारे देश की रक्षा करना, हमारी बाउंड्रीज को सिक्योर करना। तो हमारी अगर पुलिस है, पुलिस आर्मी अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा? आर्मी नहीं होगी तो दुश्मन देश, जैसे हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे देश हैं चीन पाकिस्तान, वो अटैक कर लेंगे और हम पर राज करेंगे। आर्मी नहीं होगी तो ये होगा। पुलिस नहीं होगी, अगर मान लीजिए आपके एरिया में पुलिस ही नहीं हो तो कोई किसी को मारे, कोई किसी को पीटे, कोई किसी से डरने वाला है ही नहीं, तो सब अपने जिसके पास जितनी पावर वो उतना ताकतवर। ठीक है, किसी के घर में चार लोग हैं तो वो दूसरों को मार लेंगे, उसके घर वाले उसे मार लेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा, कोई किसी को किसी का डर रहेगा ही नहीं। जब किसी को किसी का डर नहीं रहेगा, पुलिस नहीं होगी तो किसी को किसी का डर नहीं रहेगा। और पुलिस और आर्मी इन दोनों को रखता कौन है अपने अंडर? गवर्नमेंट। ये किसके अंडर काम करते हैं? गवर्नमेंट के अंदर। इन्हें सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट। तो आपको थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, तो जनरली तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं। जनरली कितनी तरह की गवर्नमेंट होती हैं? डेमोक्रेसी, नंबर टू मोनार्की, और नंबर थ्री होती है आपकी डिक्टेटरशिप। नंबर थ्री क्या होती है? डिक्टेटरशिप। नंबर वन डेमोक्रेसी, नंबर टू मोनार्की, नंबर थ्री डिक्टेटरशिप। इन तीनों में जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो बनी है वो दो शब्दों से मिलके बनी है, एक शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेट्स। इन दो शब्दों से मिलके डेमोक्रेसी बनी है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेट्स का मतलब होता है पावर। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी तरह की सरकार होती है जिसमें पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। अब पावर लोगों के पास कैसे होगी? जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर होते हैं इलेक्शन। क्या होते हैं? इलेक्शंस। इलेक्शंस को जिन्हें कहते हैं आप हिंदी में चुनाव। जिन देशों में डेमोक्रेसी होती है उन देशों में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे एमपी का इलेक्शन हो गया, एमएलए का इलेक्शन हो गया, आपने घर पे सुना भी होगा कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, ऐसी चीज़ आपने सुनी होगी। तो इलेक्शन में
कौन जीतता है इलेक्शन में? वो जीतता है पीपल, लोग जिसे वोट देते हैं वही इलेक्शन में जीतता है। और इलेक्शन में जीतने के बाद वही क्या बनाता है? सरकार बनाता है। तो एक तरीके से सरकार कौन बना रहे हैं? हम लोग ही तो बना रहे हैं। मतलब हम लोगों पर जो राज करेगा वो कौन डिसाइड कर रहे हैं? हम। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट देके जिसे जिताया वही राज करेगा। अब देखिए, जैसे हमारे जो देश की जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में कैसे आई? बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसे आई, लोगों ने बीजेपी को पसंद करा, लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलने के बाद बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिसे मेजोरिटी मिली, जिसे मेजोरिटी मिली, बहुमत मिली, और बहुमत मिलने के बाद बीजेपी आज की तारीख में सरकार चला रही है और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर किसके पास है? पीपल के पास। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं इंडिया में, 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। और जब हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं तो आज हमने अगर बीजेपी को बिठाया है और अगर बीजेपी हमारे हिसाब से काम नहीं करे, अच्छा काम नहीं करे, तो अगले 5 साल बाद फिर हम सरकार बदल भी सकते हैं। जैसे 2014 में बीजेपी आई, अगर अच्छा काम किया था बीजेपी ने तो 2019 में फिर से लोगों ने वोट दिया। लेकिन अगर 2019 के बाद अब 2014 में इलेक्शंस होंगे, 2014 में अगर 2014 में बीजेपी अच्छा काम नहीं करती है तो लोग इसे हटा भी सकते हैं। तो पावर किसके हाथ में आ गई? लोगों के हाथ में आ गई। पावर किसके हाथ में आ गई? लोगों के हाथ में। तो अगर डेमोक्रेसी के बारे में 3 चीज़ें कही जाती हैं, सबसे पहली फॉर द पीपल, सेकंड बाय द पीपल, थर्ड है ऑफ द पीपल। अब आप कहेंगे कि सर आपने 3 बातें लिख दी, 3 चीज़ें कही जाती हैं, इनका मतलब क्या है? तो मतलब इनका ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जो फॉर द पीपल लोगों के लिए होती है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा होती है, ऑफ द पीपल और लोगों की होती है। इससे क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी में किसके लिए है डेमोक्रेसी? लोगों के लिए। जो सरकार बनेगी किसके लिए काम करेगी? लोगों की भलाई के लिए। और लोगों की भलाई के लिए काम करेगी तो डेमोक्रेसी को हम क्या कह देते हैं? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। बाय द पीपल कैसे? अभी मैंने बात करी इलेक्शन की, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्शन में वोट देंगे, इलेक्शन में वोट देंगे तो जिसे वोट देंगे वो जाके क्या बनाएगा? पीएम चुनेगा हमारा, सीएम चुनेगा हमारा, प्रेसिडेंट चुने जाएंगे हमारे। तो ये इनडायरेक्टली चुन कौन रहा है? हम ही तो चुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बाय द पीपल और ऑफ द पीपल लोगों की सत्ता। लोगों की सत्ता से फिर वही मतलब है कि लोग चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। तो हमने क्या क्या बात करी? हमने बात करी गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट क्या होती है और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर, पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, दूसरे नंबर पर आता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में या तो होता है एक राजा या होती है एक रानी, और राजा रानी शासन करते हैं। राजा रानी का क्या होता है? रूल होता है। रूल किसका? या तो एक किंग का या क्वीन का। पूरा देश किस तरीके से चलेगा ये या तो राजा डिसाइड करेंगे या रानी डिसाइड करेंगी। और अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो इनकी मर्जी हुई तो आपको सज़ा हो जाएगी, इनकी मर्जी नहीं हुई तो सज़ा नहीं होगी। ये जो चाहें वो करें और आप इन्हें बदल भी नहीं सकते। तो इस तरीके की शासन प्रणाली को, इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? मोनार्की। डिक्टेटरशिप भी मोनार्की की तरह है, लेकिन डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में डिफरेंस इतना है कि मोनार्की में जो रूल करने वाला क्या होता है? किंग और क्वीन होते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में रूल करने वाला किंग और क्वीन नहीं होते, इनकी तरह कोई अदर पर्सन होता है, कोई और इंसान होता है, उस देश की आर्मी का लीडर भी हो सकता है,
या कोई इकलौता इंसान भी हो सकता है जो क्या करता है, राज करता है, और इस तरीके के राज को क्या कहते हैं, इस तरीके की सरकार को क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। तो मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया, मैंने आपको मोनार्की के बारे में बताया, मैंने आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें, हमें जो हमारे चार टॉपिक पढ़ने थे, तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, और आपको मैंने अच्छे से समझाया भी गवर्नमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना था डेमोक्रेसी, लेकिन आप इधर देखेंगे कि जब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात कर ली, डेमोक्रेसी एक ऐसी इस तरीके की गवर्नमेंट जिसमें लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम करती है। और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट बनी है, कोई सरकार बनी है, तो वो कोई भी काम करती है तो उसका उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, और अपना जो भी काम करती है उसका जवाब उसे पब्लिक को देना पड़ता है। अगर कहीं कोई भी काम किया जा रहा है तो पहले वो पब्लिक की इसकी अच्छाइयाँ बताएगी, और अगर पब्लिक उससे खुश नहीं है तो खुद को डिफेंड भी करेगी। लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होगा, अगर आपने बोल दिया राजा साहब ये काम गलत है, तो राजा साहब आपको उठवा के सूली पे चढ़वा देंगे। ये अंतर है डेमोक्रेसी में और मोनार्की और डिक्टेटरशिप में, ठीक है, ये अंतर आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अभी तक हमने बात किसके बारे में करी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करी, और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो बच्चों, डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, हमारी गवर्नमेंट कितने तरह की थी, दो, और डेमोक्रेसी होती है दो तरह की। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्टली चुन लेते हैं कि हम पर राज कौन करेगा, कोई लॉ बनता है, कानून बनता है, उसमें लोगों का इंटरफेयर होता है, लोग डिसाइड करते हैं कौन सा कानून बनेगा नहीं बनेगा, हर एक चीज़ में लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सरकार नए नियम बनाएगी उसमें डायरेक्ट लोगों की पहुंच होती है। तो जो लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो डायरेक्टली इस सरकार का एक तरीके से, इस गवर्नमेंट का एक तरीके से पार्ट होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में जीत के जो कैंडिडेट बनते हैं, इलेक्शन जीतने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं एमपी के या एमएलए के, तो जो एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बाद में जाके क्या बनाते हैं, ये गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। और इस गवर्नमेंट में एक होता है पीएम की पोस्ट होती है, एक होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट, और ये पीएम और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम लोगों का, पब्लिक का कोई रोल नहीं होता, जबकि पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी का रोल होता है। किनका रोल होगा, इनका, लेकिन आम पब्लिक का कोई भी रोल नहीं होता। और इसी गवर्नमेंट, इसी डेमोक्रेसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से मतलब कि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने जिन्हें चुना है अपना रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जाके किसी भी कानून बनेगा, कोई भी पीएम का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कोई लॉ बनेगा, तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, इनके एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, आप ये बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आप कहेंगे सर कि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो लोग जीतते हैं वही क्या बनाते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है कौन सी है,
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब हम इसके पार्ट टू लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से घर पर पढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।